मुंबई से बहुत बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के धारावी में 7.5 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट होगा। बीएमसी 7.5 लाख लोगों का टेस्ट करवाएगी। बीएमसी के अलावा 150 निजी डॉक्टर्स भी कोरोना टेस्ट करेंगे। धारावी में कोरोना की वजह से अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है और धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है और धारावी में ही कोरोना के अब तक 14 केसेस सामने आ चुके हैं। इसलिए बीएमसी की तरफ से लिया गया ये बड़ा फैसला कि मुंबई के धारावी में अब 7.5 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट होगा। हालांकि जिस तरह से धारावी में ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसके बाद प्रशासन भी सतर्क है, सरकार की भी इस पर सख्त नजर बनी हुई है। और इस बीच खबर ये भी है कि बीएमसी के अलावा 150 निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी कोरोना टेस्ट करेंगे क्योंकि धारावी में ही कोरोना की वजह से 3 लोगों की जान जा चुकी है। एशिया का ये सबसे बड़ा स्लम एरिया है और यहाँ पर कोरोना के पैर जिस तरह से फैलते जा रहे हैं उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अब 7.5 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट धारावी में ही किया जाएगा। अगले 10 से 12 दिनों में ये टेस्ट संभव है और जैसा कि जानकारी अभी तक मिल पा रही है बीएमसी के साथ साथ 150 प्राइवेट डॉक्टर्स की तरफ से ये टेस्ट करवाया जाएगा। धारावी में 14 लोग अभी तक संक्रमित हो चुके हैं, 3 लोगों की जान जा चुकी है और जिस तरह से यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है इसलिए ये अहम फैसला लिया गया है। हालांकि 7.5 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक भी आदमी छूट गया तो समझो कोरोना की लड़ाई अधूरी छूट गई। हालांकि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें इस जंग में मिलकर लड़ रही हैं। यूपी दिल्ली के कई इलाके सील हैं लेकिन इसी लड़ाई को कुछ लोग कमजोर करने में भी जुटे हैं और इसी लापरवाही की ऐसी तस्वीरें भी अब हम आपको दिखाएंगे जो आपको चौंका देगी। अपने घरों में ही रहे। पूरे देश में लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की जा रही है लेकिन कुछ लोगों पर इसका कोई असर नहीं है। मध्य प्रदेश के सागर की छत पर कई लोग एक साथ नमाज पढ़ते नजर आए, एक साथ छत पर 13 लोग मौजूद हैं। हालात दिनों दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं लेकिन कुछ लोगों की बदसलूकियों का सिलसिला थम नहीं रहा। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर की तस्वीर है, जरा तस्वीरें देखिए, बेशर्मी की हद क्या होती है अंदाजा लगा लीजिए। जमातियों ने कोरोना के ग्राफ में जो इजाफा किया है उसका नुकसान देश उठा रहा है लेकिन जमातियों की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। सीतापुर में क्वारंटीन में जमाती कैसे बेलगाम हो गए ये तस्वीर उसी की तस्दीक है। यही वजह है कि लॉकडाउन के बीच ही उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक में हॉटस्पॉट को सील करना पड़ रहा है। आज अगर डॉक्टर्स और नर्सेज काम करना बंद कर दें आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत हम लोगों के सामने खड़ी हो जाएगी। डॉक्टर्स और नर्सेज एक तरह से दो तरफ से मार झेल रहे हैं, एक तो वो अपनी जान दांव पे लगा के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, कोरोना के मरीजों के बीच में रह के वो हमारे ही घर के लोगों का इलाज कर रहे हैं, हमारे ही अपने दोस्तों रिश्तेदारों का इलाज कर रहे हैं, इससे उनको कोरोना हो सकता है। तो एक तो अपनी जान दांव पे लगा रखी है बेचारों ने और दूसरा जब वो समाज में आते हैं तो उनको पीठ थपथपाने की बजाय, उनको शाबाशी देने की बजाय, उनका शुक्रिया अदा करने की बजाय हम उनके साथ इस किस्म की हरकत करते हैं। हमारे समाज को क्या हो गया है, हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज सुबह मेरी एलजी साहब की मीटिंग थी सभी सीनियर ऑफिसर्स के साथ, उसमें पुलिस कमिश्नर साहब भी मौजूद थे, तो ये साफ साफ कहा गया कि ऐसी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने, जिस व्यक्ति ने इन दोनों डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी की थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज मैं कड़ी चेतावनी देना चाहता हूँ उन लोगों को जो किसी भी डॉक्टर या नर्स के साथ बदतमीजी करेंगे, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस सख्त से सख्त सज़ा दिलवा के रहेंगे ऐसे लोगों को जो इतनी इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर भी इस तरह की गंदी हरकतें करते हैं। दिल्ली में कोरोना के 4 हॉटस्पॉट तो पहले ही चिन्हित किए गए थे, दिलशाद गार्डन, निजामुद्दीन और दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान के बाद पंजाबी बाग स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल।
अब 20 नई जगहों को नया हॉटस्पॉट घोषित करके सील कर दिया गया है। मालवीय नगर में गांधी पार्क, 2 संगम विहार में गली नंबर 6, 3 द्वारका सेक्टर 11 शाहजहांबाद सोसाइटी, 4 दीनपुर गांव, 5 निजामुद्दीन में मरकज मस्जिद, 6 निजामुद्दीन पश्चिम जी और डी ब्लॉक, 7 बी ब्लॉक जहांगीरपुरी, 8 गली नंबर 14 कल्याणपुरी, 9 मनसारा अपार्टमेंट वसुंधरा एनक्लेव, 10 खिचड़ीपुर की 3 गलियां, 11 गली नंबर 9 पांडव नगर, 12 वर्धमान अपार्टमेंट्स, 13 मयूर ध्वज अपार्टमेंट्स, 14 गली नंबर 4 किशन कुंज एक्सटेंशन, 15 गली नंबर 4 जे 107 किशन कुंज एक्सटेंशन, 16 गली नंबर 5 वेस्ट विनोद नगर, 17 जे के एल एच पॉकेट दिलशाद गार्डन, 18 जी ए एच जी ब्लॉक सीमापुरी, 19 F70 से 90 ब्लॉक दिलशाद गार्डन, 20 प्रताप खंड झिलमिल कॉलोनी। इन इलाकों के सील करने के मायने क्या हैं? अब वो समझिए। इन इलाकों को 100% सील कर दिया गया है। अब यहाँ घर से बाहर निकलना मना है। खाने पीने के सामान, दूध, राशन, सब्जियों की दुकानें बंद रहेंगी। यहाँ तक कि दवाइयों की दुकान, बैंक और एटीएम भी बंद रहेंगे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ने पर ये सब आपके घर पर डिलीवर होगा। आपको बस सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर फोन करना होगा। आप जरूरी सामान ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। दिल्ली में जो भी इलाके सील किए गए हैं, वहां आपको किसी भी चीज की दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान लाउडस्पीकर के जरिए सूचना भी दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बंगाली मार्केट व उसके आसपास के एरिया को सील किया गया है, तो आपसे दिल्ली पुलिस अनुरोध करती है कि आप तमाम अपने घरों में रहें। आपके असेंशियल आइटम के लिए, होम डिलीवरी के लिए फोन नंबर की लिस्ट कंप्लेंट के द्वारा आपके घरों पर इशू की गई है, तो आप अपना जरूरी सामान फोन के द्वारा अपने घर पर होम डिलीवरी करा सकते हैं। अतः आपसे दोबारा अनुरोध है कि आप तमाम अपने घरों में रहें। कोरोना की वजह से दिल्ली में जिन इलाकों को सील किया गया है, उसमें बंगाली मार्केट भी है। आनंद प्रकाश पांडे की रिपोर्ट देखिए। सेंट्रल दिल्ली के पॉश मार्केट बंगाली मार्केट को भी कोरोना के चलते सील कर दिया गया है, और स्वास्थ्य मंत्रालय और एनडीएमसी ने ये कार्रवाई बंगाली मार्केट में 3 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद किया। और बंगाली मार्केट लुटियंस दिल्ली का वो पहला इलाका है जिसे कोरोना के चलते सील किया गया है, और जो बंगाली मार्केट का जो रास्ता है उसको बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया है। मार्केट बंद है और साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात है। किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में कोरोना के प्रभावित 15 जिलों में सीलिंग का ऐलान हुआ। दिल्ली के साथ यूपी के 15 जिलों में हॉटस्पॉट को चिन्हित कर पूरी तरह सील कर दिया गया है। इन 15 जिलों में 105 हॉटस्पॉट को 15 अप्रैल तक के लिए सील कर दिया गया है। आप लोग अनावश्यक भीड़ न लगाइए, आप जाइए, तुरंत जाइए, पास है ना, जाइए जाइए जाइए, भीड़ न लगाइए, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए। किसी भी तरह से कोई आवश्यकता होने पे ही एक व्यक्ति घर से निकलेगा और जरूरी सामान लेके पुनः अपना अंदर हो जाएगा। विनम्र निवेदन है कि कृपया लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित करें, अपने घरों से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन को सफल बनाएं, किसी भी तरह का जमाव न होने दें, जमाव से बचें। सब्बे वरात को लेकर के अपने अपने घरों में जो कुछ करना हो करें, किसी भी तरह से मस्जिद में या कब्रिस्तान में इकट्ठा ना हो। सभी लोगों से निवेदन है कि वो कृपया अपने अपने घरों में रहें, किसी भी तरह से बाहर निकलकर अनावश्यक जमाव न लगाएं। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा और आगरा में सबसे ज्यादा 22 जगहों को सील किया गया है। लखनऊ में 12, गाजियाबाद में 13, कानपुर में 13, वाराणसी में 4, शामली में 3, मेरठ में 11, बरेली में 1, बुलंदशहर, बस्ती और फिरोजाबाद में 3-3 हॉटस्पॉट को सील किया गया है। इसके अलावा सहारनपुर में 4, महाराजगंज में 2, सीतापुर में 1 इलाके को कम्प्लीट लॉकडाउन किया गया है। तो 15 जनपद चिन्हित किए गए हैं, इसके कुछ स्थान चिन्हित किए गए हैं, वो इस आधार पर हैं जहाँ पर कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं। और जैसा आप जानते हैं, इसका संक्रमण जो है बहुत जल्दी होता है और कांटेक्ट से होता है, इसलिए ये संभावना बनी हुई थी कि अगर लोग आवागमन वहाँ करेंगे उस क्षेत्र में,
तो वो फैलने का अंदेशा पैदा हो गया था, इसलिए तय किया गया कि वहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन इस तरह का किया जाए कि ना वहाँ कोई जाए और ना वहाँ से कोई बाहर आए, और जो भी लोगों की आवश्यकताएं हैं उनको डोर स्टेप पर पहुँचाया जाए। तो ये कारण है कि इसमें हम लोगों को 15 जनपदों को चिन्हित करना पड़ा, विशेष रूप से उनके कुछ क्षेत्रों को जहाँ पर हमको इन्हेंस्ड लॉकडाउन करना पड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल 15 जिलों को सील किया है और उसके बावजूद उसमें जो गौतम बुद्ध नगर का भी नाम शामिल है, ऐसे में गौतम बुद्ध नगर में 22 ऐसे स्पॉट्स को लोकेट किया गया है जिन्हें हॉटस्पॉट बताया गया है, और ये है हाइड पार्क सोसाइटी जो कि सेक्टर 78 में है, और इसे भी सील किया गया है। लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ, यहाँ का गेट जो है वो पूरी तरह से लॉक है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच आज शबे बारात भी है, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग बाहर ना निकले, इसके लिए पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है। शबे बारात के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों को घरों में रहकर इबादत करने की हिदायत दी गई है। लखनऊ पुलिस ने मुस्लिम समाज के लोगों और धर्मगुरुओं के साथ बैठक की और लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया है। आज शबे बारात है, उसको लेकर के लखनऊ पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरीके से अपनी कमर कस ली है। मुस्लिम धर्मगुरुओं से लगातार बातचीत की गई है और उनसे अनुरोध करने के बाद हर तरफ ये गुजारिश की जा चुकी है कि आज शबे बारात के दिन कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी कब्रिस्तान नहीं जाएगा, कोई भी मस्जिदों में नहीं जाएगा। इसको देखते हुए कैसरबाग इलाके में आप देख सकते हैं कि ACP कैसरबाग अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने सभी को ये निर्देश दिया है, ये गुजारिश की है कि फिलहाल कोरोना की वजह से कोई भी घर से बाहर ना निकले। कोलकाता में तो कब्रिस्तान में ही मुस्लिम समाज ने ताला लगा दिया है। शबे बारात के मद्देनजर लोगों से आग्रह किया गया है कि वो कब्रिस्तान में न आएं और घरों में रहकर शबे बारात मनाएं। यहाँ पर हम इस वक्त हैं बागमारी मुस्लिम बेरियल ग्राउंड है, ये बहुत बड़ा बेरियल ग्राउंड है मुस्लिमों का, यहाँ पर हम लोग इसके सामने आए हुए हैं और यहाँ पर जो बेरियल ग्राउंड के ठीक दरवाजे पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है कि शबे बारात के मद्देनज़र कोरोना जो वायरस फैला हुआ है उसके मद्देनज़र लोगों से अपील की जा रही है कि वो कब्रिस्तान में न आएं और घरों में रहकर शबे बारात का पालन। एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में कोरोना केस सामने आने के बाद शासन प्रशासन अलर्ट है। BMC ने आदेश जारी किया है कि धारावी में सब्जी और फल की दुकानें भी लॉकडाउन में नहीं खुलेंगी, सिर्फ दवा की दुकान खुलेगी। इसे लेकर BMC ने पुलिस को एक लेटर भी लिखा है। धारावी में अब तक कुल 13 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। प्रशासन को अंदाजा है कि अगर धारावी में कोरोना और फैला तो नतीजे और भी गंभीर होंगे, इसलिए सख्ती बरतनी बेहद जरूरी है। मुंबई कोरोना का AP सेंटर बन चुका है। पिछले 24 घंटों में ही यहां 143 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। बुधवार को मुंबई के वर्ली इलाके में 56 लोग पॉजिटिव मिले थे। इस इलाके को पहले ही सील किया जा चुका था। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आज दोपहर तक 12 नए मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 51 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जिला प्रशासन को हाई अलर्ट किया है। जिले के कई इलाकों को सील कर दिया गया है। सिवान में कुछ नए केसेज आए हैं और उसी तरह से नवादा में भी एक केस आया है, बेगूसराय में केस आए हैं। तो जिस इलाके में, जिस मोहल्ले में और जिस गांव में वो ये मामले आए हैं, वहां कंप्लीट लॉकडाउन कर्फ्यू लाइक सिचुएशन हम लोग कर रहे हैं और एक एक आदमी को जो भी संपर्क में आए हैं उनका सैंपलिंग लेने की कार्रवाई हो रही है। तो सारे जिलाधिकारी को, सारे SP को, सब लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। यही बात BC में हम लोग समझा रहे थे। सर, क्या में भी जो जिलों को भी सील किया जाएगा या सिर्फ इलाके नहीं, जिस इलाके में जहां कोई पॉजिटिव मिला है ऐसे तो लॉकडाउन है ही, पूरा बिहार ही सील्ड है, लॉकडाउन है। लेकिन जैसे मान लें कि सब्जी लेने के लिए या कोई जरूरी काम के लिए निकलते हैं लोग, तो जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में, जिस गांव में ये केस पाए गए हैं वहां बिल्कुल कर्फ्यू रहेगा, कोई भी घर से नहीं। कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या गुजरात में भी तेजी से बढ़ रही है। अहमदाबाद कोरोना हॉटस्पॉट बन रहा है। गुजरात में कोरोना के 55 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। अहमदाबाद में 50, सूरत में 2, दाहोद में 1, आनंद में 1 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पर आज की ऑल इंडिया की रिपोर्ट क्या कहती है, कोरोना के कितने मामले कहां कहां से आए हैं, 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के कितने केसेस सामने आ चुके हैं, हिंदुस्तान की कोरोना रिपोर्ट अब आपके सामने। दिल्ली और यूपी के अलावा पूरे देश में कई और ऐसे शहर हैं जो कोरोना का AP सेंटर बन गए हैं।
महाराष्ट्र में मुंबई हॉटस्पॉट बन चुका है। यहां अब तक कोरोना के 714 पॉजिटिव केस रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें 45 की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में दूसरा हॉटस्पॉट पुणे है, जहां 116 कोरोना पॉजिटिव हैं, इनमें से अब तक 10 की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भोपाल नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। भोपाल में 94 कोरोना पॉजिटिव रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें एक की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में इंदौर अभी हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां पॉजिटिव की संख्या 213 हो चुकी है, इसमें से 21 की मौत हो चुकी है। राजस्थान में जयपुर हॉटस्पॉट है। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 129 तक पहुंच गई है। अब तक एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थिति पहले के मुकाबले थोड़ी कंट्रोल में तो हुई है, लेकिन हालात अभी भी गंभीर है। यहां 27 केस कोरोना पॉजिटिव है, जिनमें 2 की मौत हो चुकी है। कोरोना से कराते देश के एक एक शहर की तस्वीर आपको दिखाएंगे। उससे पहले कोरोना महामारी का हिंदुस्तान में 24 घंटे के दौरान का हाल देख लीजिए। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमितों के 549 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5734 हो गई है। 17 और लोगों की मौत के बाद मौतों का आंकड़ा 166 पर पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 473 लोगों को निजात दिलाई जा चुकी है, जबकि 5095 लोगों का इलाज किया जा रहा है। अब तक 473 पीपल रिकवर होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। टोटल कंफर्म संख्या अगर हम देखें तो देश में 5734 कंफर्म केसेज आए हैं, एंड लास्ट डे से अब तक 549 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। टोटल 166 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 17 डेथ सिंस वन डे सिंस यस्टरडे हैव बीन रिपोर्टेड। हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्टेट और सेंट्रल स्टेट की सपोर्ट करने के लिए हाई लेवल मल्टीडिसिप्लिनरी सेंट्रल टीम्स भी कुछ नॉमिनेट की हैं, जो कि स्टेट्स को कोऑर्डिनेट करते हुए कंटेनमेंट प्लान, हॉस्पिटल प्रिपेयरनेस और वेंटिलेटर मैनेजमेंट में उनके साथ स्टेट्स का कोऑर्डिनेट करेंगी। ऐसी 10 टीम बनाकर 9 राज्यों में भेजा गया है, जिसमें बिहार, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और यूपी स्टेट्स हैं। कोरोना से पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक संक्रमण और मौत के मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। अब तक 1135 लोग संक्रमित हुए हैं, 72 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान 8 लोगों की मौत हुई और 117 लोग संक्रमित हुए हैं। देश में कोरोना के मामले मध्य प्रदेश में भी काफी तेजी से बढ़े हैं, जिसके बाद सरकार ने भोपाल, उज्जैन और इंदौर जिले की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया है। मध्य प्रदेश में भोपाल नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। भोपाल में 94 कोरोना पॉजिटिव रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें एक की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में इंदौर अभी भी हॉटस्पॉट बना हुआ है। पॉजिटिव की संख्या 213 हो चुकी है। दुख की बात यह है कि इनमें से 21 की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के कुल 11 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 9 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। राजस्थान में आज 47 नए पॉजिटिव केस पाए गए। बांसवाड़ा में 2, जयपुर से 11, जैसलमेर से 5, झुंझुनू से 7, जोधपुर से 3, टोंक से 7, झालावाड़ से 7 मिले हैं। राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 430 हो गई है। कर्नाटक में कोरोना वायरस के संक्रमण से 80 वर्षीय महिला की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है, तथा अब तक 181 लोग संक्रमित पाए गए हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 4 लोगों को कोरोना की पुष्टि होने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने आज जारी बुलेटिन के अनुसार हरिद्वार में 2 लोगों को कोरोना की पुष्टि हुई है। नैनीताल में भी कोरोना से संबंधित 2 मरीज चिन्हित किए गए हैं। देहरादून में कोरोना संक्रमित मरीजों की अधिकतम संख्या 18 को देखते हुए हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। उसके बाद ऊधम सिंह नगर में 4, हरिद्वार में 3, अल्मोड़ा और पौड़ी में 1-1 कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया है। झारखंड में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है। एक 75 साल के बुजुर्ग ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया। झारखंड में 4 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 16 हो गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते एक 65 वर्षीय महिला की मौत होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में महामारी के चलते मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है।
पंजाब के मोहाली में कोरोना के 6 मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में मरीजों की संख्या 36 पहुंच गई है।